हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं तितली और कली। आपने देखा, तितली कली से क्या कहती है कि कली तुम खिल जाओ और पूरे वातावरण में अपनी सुगंध फैला दो, है ना बच्चों? हमने इसके प्रश्न उत्तर कुछ कल किए थे, कुछ और आज करते हैं। प्रश्न नंबर 3, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? उत्तर, तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम। वो कब गई थी? सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय ही तितली नहीं खिली थी और वह सुबह के समय तितली के पास गई थी। प्रश्न नंबर 5, तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर, जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जगाने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि वह सुबह का समय रहा होगा। कैसे पता चलता है? कि जब कली के पास उसे जगाई तो उस समय क्या था? सुबह का समय था, क्योंकि उसने आँख खोलने के लिए कह रही थी। वह दो दो बार गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। तो बच्चों देखो, जब हमने ये पढ़ा है कि दो बार जो हमने पढ़ा है गली गली, इसका मतलब होता है सारी गलियाँ, और कली कली यानी सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। देखो बच्चों, जैसे घड़ी घड़ी, घर घर, जगह जगह, डाल डाल, इनसे हमें क्या करना है? इनसे हमें वाक्य बनाना है। जैसे घड़ी घड़ी, मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था। मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। कब? दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। अब देखो बच्चों, मिलते जुलते शब्द। प्रश्न 6, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों को कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। नीचे जो दिए गए शब्द हैं उनमें कुछ शब्द अपने मन से जोड़ने हैं, जैसे बोलो, खोलो, घोलो, तितली, मितली, सुतली, डाल, थाल, खाल। ये क्या हैं? ये एक जैसे शब्द हैं बच्चों, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे बोलो, खोलो, तितली, मितली, डाल, थाल। तो इस प्रकार के और शब्द आप अगर ढूंढ कर लिख सकते हैं तो लिख लेना। महके सारी गली गली। अब बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 7, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। उत्तर लिखेंगे, अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। अच्छी लगने वाली महक को तो सुगंध ही कहते हैं, खुशबू भी कहते हैं, लेकिन बुरी लगने वाली को दुर्गंध कहेंगे या बदबू कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए प्रश्न नंबर 8, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। उत्तर, जिनकी महक पसंद है, फूल, इत्र, पाउडर, चंदन। जिनकी महक पसंद नहीं है, कूड़ा, कचरा, पसीना, गोबर, मिट्टी का तेल। ये क्या है बच्चों? इनकी महक हमें अच्छी नहीं लगती और ये हमें बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, चलिए आप, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? उत्तर,
फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो बच्चों, इसका उत्तर है गुलाब, हरसिंगार, गुलदाउदी, बेला, चमेली इत्यादि। देखो बच्चों, ये नाम वो हैं जिनकी महक बहुत तेज होती है और हमें इनकी खुशबू दूर तक आती है। प्रश्न नंबर 2, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से? उत्तर, हमारे घर में बाहर के लॉन से सुगंधित फूलों की महक आती है। हमारे घर के बाहर से सुगंधित फूलों की महक आती है। अब बच्चों तुम्हारी बात। प्रश्न नंबर 10, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? देखो बच्चों, ये तो बच्चों के मन की बात होती है कि वो किस बात के लिए जाग जाएं और किस बात के लिए नहीं। ये है कि हम अनुभव के तौर पर इसका उत्तर लिखेंगे। जाग जाएंगे विद्यालय जाने के लिए, खेलने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए। ये चीज़ें वो हैं बच्चों जिन्हें सुनकर छोटे बच्चे जाग जाते हैं, और जिनके लिए जागना पसंद नहीं करेंगे वो हैं होमवर्क करने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए और दोस्तों के घर जाने के लिए। इन चीज़ों के लिए हम जागना पसंद नहीं करेंगे। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं, उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, उत्तर है इसका गुलाबी तितली, बैंगनी बैंगन, काली पेंसिल, लाल कुर्ता, संतरी संतरा, पीली सूरजमुखी, पीले लड्डू, सफ़ेद प्याला, हरा साग, काली मिट्टी। देखो बच्चों, गुलाबी तितली होती है, तितली तो बहुत रंग की होती है लेकिन यहाँ गुलाबी बताया गया है, और बैंगन बैंगनी कलर के होते हैं, पेंसिल तो कई कलर की होती है, काली भी होती है, पीली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, तो पेंसिल भी कई कलर की होती है। लाल कुर्ता, कुर्ता भी बच्चों किसी भी रंग का बनाया जा सकता है, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, किसी भी तरह का बनाया जा सकता है लेकिन यहाँ लाल दिया है। संतरी संतरा, संतरा तो संतरी रंग का ही होता है यानी ऑरेंज कलर का। अब पीली, पीला सूरजमुखी का फूल होता है बच्चों, गेंदे का फूल भी पीला होता है। पीले, पीले लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू होते हैं पीले, और बेसन के लड्डू भी पीले ही होते हैं। सफ़ेद प्याला, प्याला भी बच्चों सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का, काले कलर का, कॉफ़ी कलर का, ब्राउन कलर का और गोल्डन कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है क्या प्याला। हरा साग, हाँ बच्चों ये बात सही है कि हरा साग हरा ही होता है, साग पीला या लाल नहीं होता। काली मिट्टी, मिट्टी कई तरह की होती है लेकिन यहाँ हमें काली मिट्टी के बारे में ही बताया गया है। तो बच्चों आज के हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पूरे होते हैं। धन्यवाद।